नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है, जहां नशाखोर जो लोग है, इनको नशा है अलग अलग चीजों की, उनको भर्ती करते हैं, मनोरुग्णों को भर्ती करते हैं। नशा में शराब की नशा वाले बहुत ज्यादा लोग आते हैं, इनको शराब की नशा है, और बाकी अलग अलग ड्रग जैसा भांग है, चरस है, सिगरेट है, तंबाकू है, ब्राउन शुगर है, ऐसे काफी सारे लोग आते हैं कि उनको एडिक्शन है, उसके लिए आते हैं। उनको हम जो जिनको इच्छा है उनके साथ में, उनके रिलेटिव्स रिश्तेदार रहते हैं तो उनको हम वैसा भर्ती कर लेते हैं, उनके साथ में उनका इलाज करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार रहने को तैयार नहीं है, उनको टाइम नहीं है, तो उनको अकेले भर्ती करो, उनका इलाज करो, तो उनका हम इलाज कर लेते हैं। और उनको डायसल्फिराम नाम की जो दवा है वो उनको देते हैं। और दवा का ऐसा है कि वो दवा लेने के बाद में यदि उसके ऊपर शराब लिया तो बहुत ज्यादा रिएक्शन आती है, और रिएक्शन मतलब चेहरा पूरा बदन लाल हो जाना, खुजली आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना छूटना, चक्कर आना, ऐसे अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। और उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगा, मतलब डर ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो सूर्य मालूम है कि अपन गोली खा रहे और उसके ऊपर शराब लिया तो मर जाएंगे, ऐसा उसको लगता है। कभी कभी पेशेंट मर सकते हैं यदि उनको कोई पहले से कोई प्रॉब्लम होगा और ये रिएक्शन आ गए तो जान भी जा सकती है। तो फिर वो व्यक्ति एक बार यहां से जाने के बाद में वो डायसल्फिराम की गोली खाता है और रोज एक ही गोली खानी पड़ती है, तो उससे वो शराब से दूर रहता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो गोली खाते नहीं, रिश्तेदार तो बोलते कि नहीं नहीं इनको तो गोली खिलाना है, वो खाते नहीं है। तो हम रिश्तेदार जब आते हैं तो उनको बोलते कि ठीक है आप उनको जबरदस्ती गोली दो या बिना बोले उनको गोली दे दो। तो फिर कुछ लोगों को हम एक प्लेसेबो करके हम गोली देते हैं कि भाई प्लेसेबो ले लो, रिश्तेदार उनको बोलते कि ऐसी ऐसी गोली है, और पेशेंट को धीरे धीरे बता दो कि भाई नहीं ये गोली आपको लेनी पड़ेगी और गोली लेके आपकी जो गोली है वो गोली खा। तो उनको फिर धीरे धीरे उनकी इच्छा तैयार करना, उनको ये गोली देना, ये काम हम करते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट हाँ बोलता है और बाद में लेता नहीं गोली। उसके लिए हमने डायसल्फिराम इम्प्लांट अभी वो व्यवस्था की हुई। तो डायसल्फिराम इम्प्लांट जो है वो छोटे छोटे प्लेट्स है, वो चमड़ी के नीचे एक छोटा सा कट मार के वो वहां डालना पड़ता है, छोटी सी जगह होती है, और उसका फिर असर करीब करीब 6 महीने तक चलता है। मतलब 6 महीने भी गोली लिया नहीं तभी उसका इफेक्ट चलता है। तो यदि प्लेट्स हमने चमड़ी के नीचे डाल दिए तो 6 महीने तक कोई गोली लेने की जरूरत नहीं। और वो व्यक्ति यदि इसके ऊपर शराब लेता है तो उसको काफी जोर से रिएक्शन आ सकती है, तो डर के मारे फिर वो शराब लेता ही नहीं और शराब से दूर रहता है। तो डायसल्फिराम इम्प्लांट हमने चालू किए, उसके लिए कुछ दाखिल होने की जरूरत नहीं है, भर्ती होने की जरूरत नहीं है, एक 5-10 मिनट की यह प्रोसीजर है, और जिसमें वो 5-10 मिनट में आदमी फ्री हो सकता है। जिसको प्लेट लेना नहीं है वो डाल के, वो इंजेक्शन भी ले सकता है, उसका इफेक्ट 1.5-2 महीना चलता है। डायसल्फिराम का इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन भी ले सकता है, उसका इफेक्ट 1.5-2 महीना चलेगा, और 2 महीने में एक ही बार इंजेक्शन लिया तो भी हरकत नहीं। तो ये जो है ये काफी लोग ऐसे होंगे कि जिनको वो गोली लेना संभव नहीं है, तो जरूर ये इम्प्लांट का जो ट्रीटमेंट है वो आपने करना चाहिए। आपके आजू बाजू में काफी सारे लोग होंगे जिनको शराब की आदत है, नशाखोर है वो, और उससे काफी सारा नुकसान होता है उनको मालूम है, मगर अभी आदत से मजबूत, आदत से इतने मजबूत हुए कि वो छोड़ नहीं पाते, उनकी इच्छा छोड़ने की है, वो ट्रीटमेंट लेने को तैयार है। उनको ये वो डायसल्फिराम की गोली मुंह से, और या वो हर रोज मुंह से गोली लेना नहीं है तो इम्प्लांट थाई में समझो ये पैर में लगा दिया, तो 6 महीने फिर गोली लेने की जरूरत नहीं है। और फिर रिलेटिव भी बेफिक्र हो जाते हैं कि अभी आप मतलब वो बाहर गया तभी भी वो गोली नहीं लिया, तभी भी अभी उसको इम्प्लांट डाला हुआ है और अभी शराब पिएगा नहीं। तो जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, और उनको कभी भी मतलब उनको रहने की जरूरत नहीं, आए उसी दिन उनका इलाज हो सकता है।
और जलजीव वापस जा सकते हैं, और जिनको वृद्धि रहने की आवश्यकता है, जिनका मतलब जिनकी बॉडी सूट नहीं कर रही है, लीवर खराब है, पीलिया हो गया है, या बहुत सारा उनको विड्रॉल आने वाला है, या जो लगता है कि आ जाएगा, तो उनको हम भर्ती रखते हैं। जो डायसेफ्राम इम्प्लांट, इसका फायदा ये है कि जो लोग टूर करते हैं, टूर बाहर गाँव काम के लिए उनको बार बार जाना पड़ता है, फिर वहां दवा नहीं ले पाते, भूल जाते हैं, दवाई मिलती नहीं है, तो एक बार इम्प्लांट बिठा दिया तो उनको वोल्डोल लेने की जरूरत नहीं है कोई। तो जरूर वीडियो आप शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, आपके फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो, और हमारा जो संकल्प है व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका भी हाथ लगा दो। थैंक यू वेरी मच।